दो दिन बाद नगर निकाय चुनाव होने वाला है। पहला चरण 4 तारीख है तो दूसरा 11 तारीख। ऐसे में अब वादों की झड़ी लगाने वालों की भी मोहलत खत्म हो चुकी है। चुनाव प्रचार रुकने से महज चंद घंटे पहले ही विधायक विनोद सिंह मीडिया के सामने आए और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एक बड़ा खुलासा कर दिया। मतलब जिससे जनता अब तक बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी वो वादा ही तोड़ दिया। अब ये खुलासा विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक पर कितना असर डालेगा ये आने वाली 13 तारीख बताएगी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वादों का भंडा फोड़ता ये मामला सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने लोगों के सामने रखा है। आपको बता दें, सुल्तानपुर में लगातार हाउस टैक्स और वोटर टैक्स माफ या हाफ करने के वादे किए जा रहे हैं। ये वादे विपक्षी पार्टियों में शामिल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा कर रही है। लेकिन विधायक विनोद सिंह ने साफ कहा कि ये तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला वादा है। विधायक विनोद सिंह ने कहा कि ये सारी जुमलेबाजी सिर्फ चुनाव के पहले की ही है। विधायक विनोद सिंह का कहना है कि जब नगर पालिका बोर्ड के पास ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं तो ये वादे आखिर पूरे कैसे होंगे। दरअसल पूरे शहर में चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपने पैम्पलेट्स बंटवाए। इनमें ये मुद्दे भी रखे गए हैं कि अगर कांग्रेस या फिर आप जीतती है तो हाउस टैक्स को आधा कर दिया जाएगा, वहीं वाटर टैक्स में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। विधायक विनोद सिंह ने कहा कि उनके संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया उन्होंने लोगों से बातचीत की और बताया कि नगर पालिका के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वाटर टैक्स या फिर हाउस टैक्स को हाफ कर दिया जाए, क्योंकि ये मामला राज्य सरकार का है। संज्ञान में आया है कि कुछ दल, विशेष रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने मुद्दा उठाया है। ऐसा लगता है इन लोगों ने म्यूनिसिपलिटी एक्ट नहीं देखा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये म्यूनिसिपल बोर्ड सुल्तानपुर को ये अधिकार एक्ट ने नहीं दिया है कि बढ़ा सके। अगर इसको कोई घटा सकता तो सिर्फ शासन, ये सिर्फ चुनाव में चंद वोट पाने के लिए ये ऐसा ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। क्या ये प्रोपोगंडा है क्या है? निश्चित रूप से ये वोट हासिल करने के लिए, और जाहिर है कि चुनाव तक ये जनता तक बात पहुंचेगी, जनता इनको माफ नहीं करेगी। इस दौरान विधायक विनोद सिंह के साथ नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल भी नजर आए। आपको बता दें, भाजपा के प्रवीण अग्रवाल के सामने कांग्रेस से वरुण मिश्रा, आम आदमी पार्टी से संदीप शुक्ला और सपा से सैयद रहमान उर्फ मानू चुनावी मैदान में हैं। अब आम आदमी पार्टी ने हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया था, लिहाजा इसका खुलासा करना भी जरूरी था। विधायक और भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि ये सभी प्रत्याशी महज जनता को बेवकूफ बनाते हुए चंद वोटों की खातिर झूठे वादे कर रहे हैं और बाद में उनको जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि भाजपा नगर विधायक विनोद सिंह ने मीडिया के सामने आकर चुनाव से एन पहले विपक्षी पार्टियों को करारा झटका दे दिया है और कटाक्ष करते हुए बहुत कुछ कह दिया। अब वोट बैंक पर इसका क्या असर पड़ेगा उसे देखने के लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।